हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसी एकेडमी। आज हम पोल्ट्री की टेस्ट सीरीज पार्ट सेकंड जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन है 52 और डी ऑप्शन है 73। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा 42। ये जो 42 अमेंडमेंट है इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 42 अमेंडमेंट है ये 1976 को हुई है और 42 अमेंडमेंट 1976 को ही जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनती है, मौलिक कर्तव्य बनती हैं, उनको भी जोड़ा गया है। और 10 जो हमारे पास मौलिक कर्तव्य है वो 42 अमेंडमेंट 1976 को जोड़ी गई है। ओके, बी ऑप्शन रहती है 44। तो ये जो 44 अमेंडमेंट हुई है 1978 को हुई है। ये जो 44 अमेंडमेंट 1978 को ही है, इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को भी मूल अधिकार से हटाकर जो है कहाँ पे डाला गया है, विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में ठीक है डाला गया है। ये वहाँ पे जो है बनाया गया है, जो संपत्ति का अधिकार है क्या बनाया गया है, ये जो है विधिक लीगल राइट ठीक है, या जो है कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार ठीक है, उसमें जो है बनाया गया है संपत्ति के अधिकार को। ओके, सी ऑप्शन है 52 अमेंडमेंट। ये जो 52 अमेंडमेंट हुई है ये 1985 को हुई है। ठीक है, इसमें जो है शेड्यूल 10 जो हमारे पास अनुसूची 10वीं रहती है दल बदल से संबंधित, तो उसके द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। जो हमारे पास डी ऑप्शन रहती है 73 अमेंडमेंट, ये जो है किससे संबंधित है, ये जो पंचायती राज से संबंधित है। ये जो अमेंडमेंट हुई है 73 अमेंडमेंट, ये 1992 को हुई है। ओके, सेकंड क्वेश्चन बनता है कि भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन रहती है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन रहती है लोकसभा अध्यक्ष और डी ऑप्शन रहती है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राइट जो ऑप्शन रहेगी आपके पास कि जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता को कौन करता है, तो जो ऑप्शन रहेगी वो रहेगी सी, लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष तो करता है, लेकिन बुलाता कौन है, तो संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक को है वो किसको कौन बुलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, और देखो संयुक्त अधिवेशन के बारे में कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन के बारे में कहा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास 42, जो 44वां संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है। जैसे आपने डिस्कस भी किया ऊपर, जो 44 अमेंडमेंट थी किससे संबंधित थी, कब हुई है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन देखो यहाँ जो ऑप्शन आती है स्वास्थ्य के अधिकार, बी ऑप्शन आती है संपत्ति का अधिकार, सी ऑप्शन आती है शिक्षा का अधिकार और जो डी ऑप्शन आती है वो होती है समानता का अधिकार। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगी संपत्ति का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार से हटाया गया है, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है। कब हटाया गया है, तो 44 अमेंडमेंट जो 1978 में हुई है वहाँ से हटाया गया है। ठीक है, कहाँ पर रखा गया है इसको, तो देखो मूल अधिकारों से हटाया गया है। नंबर वन, नंबर टू होता है जो हमारे पास ठीक है आर्टिकल 19F है वहाँ से भी हटाया गया है। कहाँ पर डाला गया है, तो 300A ठीक है, आर्टिकल 300A में जो है संपत्ति के अधिकार को डाला गया है। ठीक है, अब हमारे पास है स्वास्थ्य का अधिकार। ये जो स्वास्थ्य का अधिकार है ये आर्टिकल 21 में है। ठीक है, ये हमारे पास शिक्षा का अधिकार, ये जो शिक्षा का अधिकार है ये आर्टिकल 21A में है। ओके, ये जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14-18 में जो है समानता के अधिकार के बारे में कहा गया है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बनता है कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। देखो मौलिक अधिकार, देखो ए ऑप्शन आती है कनाडा, बी ऑप्शन आती है फ्रांस, सी ऑप्शन आती है जर्मनी और डी जो ऑप्शन आती है अमेरिका। तो आपको पता है ये जो मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका, जो डी ऑप्शन होगी राइट ऑप्शन है ठीक है अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकारों को लिया गया है। ठीक है, एक आपके पास है जर्मनी, तो जर्मनी में से कर लिया गया है। तो आपके पास इमरजेंसी प्रोविजन रहते हैं, आपातकालीन उपबंध या बंद रहते हैं ठीक है, अमर जो आपके पास आपातकालीन प्रावधान रहते हैं उपबंध भी बोलते हैं, वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है कि वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो ए ऑप्शन है 324, बी ऑप्शन है
280, ठीक है। सी ऑप्शन है 325 और जो डी ऑप्शन है 368। तो सही ऑप्शन हो गया हमारे पास, वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 368, तो 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से रिलेटेड है। ओके, ऑप्शन है 324, ये जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है 324। अतः नगर निगम तथा पंचायत के चुनाव जो है कौन करवाता है, तो आपके पास देखो राइट जो आपके पास ऑप्शन रहेगी राज्य सरकार, बी रहेगी केंद्र सरकार, सी ऑप्शन रहेगी राज्य निर्वाचन आयोग, जो डी ऑप्शन रहेगी केंद्र निर्वाचन आयोग। देखो ये जो नगर निगम और पंचायत के चुनाव जो है कौन करवा सकता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये चुनाव करवाता है। ओके, अगले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। देखो ऑप्शन दी है 25 ईयर 35 ईयर 30 ईयर और 26 ईयर। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो है न्यूनतम जो मिनिमम एज रखी गई है वो रखी है 35 ईयर। ये जो आपके पास राष्ट्रपति का पद हो, चाहे उपराष्ट्रपति का पद हो, चाहे राज्यपाल हो, इनके लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 35, ठीक है। ऑप्शन रहते हैं 25, तो 25 जो है लोकसभा के अध्यक्ष के लिए रखी गई है, कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनके लिए रखी गई है 25। आपको पता है ये जो प्रधानमंत्री होते हैं यदि वो लोकसभा से चुने जाते हैं तो उनके लिए मिनिमम जो एज रहती है 25 रहती है, और ये जो 30 ईयर है, 30 ईयर जो है राज्यसभा के सदस्यों के लिए रखी गई है, ठीक है। जैसे आपके जो प्रधानमंत्री है यदि राज्यसभा से चुने जाते हैं तो उनके लिए जो मिनिमम एज रहती है वो भी 30 ईयर रहती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।